अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम PST और GST की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है HCF बाय फैक्टर मेथड और बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, हमें HCF निकालना है गिवन क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि HCF हम किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम जो कहते हैं, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, बाय फैक्टर मेथड। ठीक है, तो दोस्तों देखें, सबसे पहले जो है ना हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हमने प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो आज आइए हम निकालते हैं 18 के क्या निकलेगा, फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 9 18। ठीक है, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, ये हमने 18 के निकाली। उसके बाद हम 30 के निकालते हैं, 32 से हो सकता है तो 2 5 10 हो जाएगा, इस तरह 3 5 15, सेम इस तरह जो है ना 5 1 5। ठीक है, इस तरह सेम हम 36 के भी निकालेंगे। ठीक है, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18 और इस तरह 3 3 9, 3 1 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो है ना क्या आ गए, ये हमारे जो है ना प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स जो है इनके सामने लिख लेते हैं जो कि हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद 30 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 2 3 5 और इस तरह 36 के भी हम निकालते हैं, 36 के क्या हैं, 2 2 3 एंड 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन में जो है ना हमारे पास 2 भी जो है ना कॉमन फैक्टर आ रहा है, इस तरह 3 भी जो है ना हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये इनका जो है ना अब HCF किस तरह निकलेगा, जो हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 कॉमन फैक्टर आए हैं, उनका हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, इनका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो इस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो है ना इसमें भी 2 कॉमन आ रहा था और इसमें भी 3 जो है ना कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसका जो है ना प्रोडक्ट ले लिया जो कि हमारे पास 6 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 6। ठीक है, इन तीनों का HCF जो है ना वो हमारे पास क्या आ गया है, 6 आ गया, जो कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से बाय फैक्टर मेथड से हमने निकाले हैं। इसके बाद हम डिवीजन मेथड में आते हैं कि डिवीजन मेथड में जो है ना हम लोग किस तरह जो है ना HCF निकालेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, देखें जो छोटी वैल्यू हमें गिवन है उसको बाहर रखेंगे और बड़ी वैल्यू है उसको अंदर रखेंगे। ठीक है, अब देख लें 90 और ये हो गया 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जो है ना डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना बहुत आसान है, 51 50। ठीक है, सबट्रैक करेंगे तो ये आ गया 40। अच्छा, तो इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ कि बाय डिवीजन मेथड में जो है ना हम तब तक जो है ना ये निकालते रहेंगे जब तक जो है ना हमारे पास रिमाइंडर जो है ना ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, जब हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर जो है ना जिस नंबर से जो है ना रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वो उसका HCF होगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 40 आ गया, तो डिवीजन मेथड में ये होता है कि जो यहाँ पे मौजूद होता है ना उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं दोबारा अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से हम अगेन डिवाइड करेंगे 40 1 40। ठीक है, 40 1 40 हो गया तो ये यहाँ पे क्या बच गया, 10। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास अगेन 10 बच गया है, तो हम इसको अगेन जो है ना इसको डिवाइड करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इस 40 को जो है ना यहाँ आके लिखेंगे। ठीक है, अब 10 4 40। ठीक है, तो ये इससे जो है ना हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, 10 से जो है ना हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 50
और 90 का जो HCF है वो क्या है, 10। ठीक है, समझ में आ गया कि हमने किस तरह जो है ना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है ना इसको हमने सोल्व किया है बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, HCF हमने निकाला है बाय डिवीजन मेथड से। तो दोस्तों आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, मेरे चैनल को वॉच करते रहें, और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या जो भी कोई मसला हो तो आप मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।